I am Smith Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Gurauda. Hello students, आज का हमारा टॉपिक है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन आपकी किस काम में आती है, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मशीन की बात आई है, तो मशीन है तो किसी न किसी काम में तो आएगी आपकी। एटवुड मशीन क्या है? इन्वेंशन है आपकी साइंस की, जो काम करती है आपका एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए। अब एक्सेलरेशन भी आपका दो टाइप से हो सकता है, क्योंकि दो टाइप से मेजर होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो एक होता है अब्सोल्यूट, एक होता है ग्रेविटेशनल। तो जो आपका ग्रेविटेशनल होता है उसको मेजर करता है एटवुड मशीन, और उसको हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को जी से। एटवुड मशीन क्या होगी? आपके पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर आपका कोई पिलर है। मैंने पिलर कंसीडर कर लिया, ये यहां पे पिलर के टॉप पे क्या होगी? पुली कनेक्ट होगी, और पुली के ऊपर दोनों तरफ यहां पे आपकी एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग होगी, तो जिसके दोनों तरफ मास एम होगा, एम, और ये भी आपका एम। अब यहां पे क्या है? पी प्लेटफॉर्म है यहां पे आपका, और यहां पे आपका क्यू रिंग है जो आपके फिक्स है और पिलर के साथ अटैच है। तो यहां पे जो आपके मास एम और एम है, तो यहां पे ये क्या है? स्टार्ट में जो दोनों बैलेंस किए हुए हैं, जैसे ही हम राइट साइड एम में ऐड करते हैं एम वन, तब आपका ये क्या है? मूव करेगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये चीज हमने लास्ट के आर्टिकल में पढ़ी थी। कौन से आर्टिकल में? मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। उसमें हमने चेक किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा था आपका? एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तब यहां पे आपके पास क्या था उस आर्टिकल में? एम वन ग्रेटर देन एम टू। अब यहां पे ग्रेटर देन क्या है? एम प्लस एम वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एम वन कैपिटल एम वन, यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एम टू। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा आपके पास? एफ इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम वन माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम वन प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो यहां से आपके पास एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या बचा आपके पास? एम वन जी अपॉन टू कैपिटल एम प्लस एम वन, ये क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन। इफ वी द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, अगर हम कंसिडर कर ले कि वी क्या है? वेलोसिटी कब है? व्हेन मास एम प्लस एम वन है कम टू द रिंग, तब क्या है जो वेलोसिटी है? कहां तक जाएगी आपकी? क्यू पॉइंट तक, यहां तक। अगर क्यू पॉइंट तक जाएगी तो वेलोसिटी
क्या हो जाएगी इक्वेशन टू एफ पी क्यू, ये हमने क्या यूज कर ली, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, राइट साइड टू एफ एम पी क्यू, पी क्यू आपका एज इट इज रहेगा। अगर एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एम वन जी अपॉन टू एम प्लस एम वन पी क्यू। एम पी क्यू को क्या कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर आपकी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर जैसे ही हम जो एम को एक्सटर्नल मास हमने एम वन अटैच किया था, अगर वो हम रिमूव कर देते हो, अगेन क्या होगी, ये इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों तरफ इक्वल मास हो जाएगा एम एन। तब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, एक्स कितने टाइम में, टी टाइम में। तो आपके पास एक्स इक्वल टू वी टी, वी क्या है आपके पास, वेलोसिटी। अगर हम क्या करें, स्क्वेयर कर दे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वेयर किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट, तो हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर की जगह वैल्यू पुट करें, टू एम वन जी अपॉन टू एम प्लस एम वन पी क्यू इंटू टी स्क्वेयर। तो ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस का स्क्वेयर, और जी क्या है आपकी एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम। आपके पास प्रॉब्लम गिवन है, टू मासेस ऑफ 14 kg एंड 7 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एंड द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फ्रॉम 3 सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड आफ्टर वाट फर्दर इंटरवल ऑफ द टाइम स्मॉलर मास कैम टू द ओरिजिनल पोजिशन। यहाँ पे हमने जो आर्टिकल किया था, उस आर्टिकल की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पे हम मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग, यहाँ पे आपके पास मास क्या क्या गिवन है, एम वन हम कंसिडर कर लेते हैं 14 kg एंड एम टू 7 kg। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फर्स्टली। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। यहाँ पे एम वन क्या है, 14 माइनस एम टू 7 अपॉन 14 प्लस 7।
इंटू जी, तो ये क्या गया 1/3 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्योंकि यहाँ पे अगर इसको ग्राफिकल देखोगे तो आपकी ये पुली है, यहाँ से आपकी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कनेक्ट है। एक पे क्या है वेट आपका, एक का मास क्या है 14 kg, सेकेंड का मास क्या है आपका 7 kg। टेंशन टी, यहां पे टेंशन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी टी। अब यहां पे बात आती है कि वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 masses गिवन थे 17 kg एंड 8 7 2 mass थे 14 kg एंड 7 kg। यहां पे आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि गिवन नहीं है, वेलोसिटी हम कंसीडर कर लें लेकिन टाइम हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कब, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पे आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, यू की वैल्यू है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0। तो यहां पे वी इक्वल टू यू की जगह 0, एफ क्या आया है आपका 1/3 जी इनटू टी। टाइम क्या है आपके पास 3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल। जी क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गई। जी क्या है यहाँ पे, वैसे तो आपके पास एक्सेलरेशन है लेकिन ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ पे जी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप अगेन क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे लेकिन डिफरेंट, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे आपके पास यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी टी आपके पास 3 प्लस 1/2, एफ क्या है आपके पास g/3 3 स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आ गया s 3g/2 m। अब यहां पे क्या है आपके पास, वेन द स्ट्रिंग इज ब्रेक, जब आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तब जो स्मॉलर मास 7 kg है मूव हो जाएगा फ्री आपका अंडर द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री हो जाएगा, एंड म्यू कितना हो जाएगा आपका 3g/2 m। ठीक है, यहां पे तो क्या था आपके पास टाइम टी था। अगर टाइम यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है, टाइम आपके पास टी टाइम पे फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपके पास ये एस गिवन है वो क्या है 3g/2, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास 3g/2 इक्वल टू -gt + 1/2 gt2।
यहाँ पे आपके पास जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? टू से मल्टीप्लाई कर दो थ्रो, तो 3g इक्वल टू माइनस 2gt प्लस जी टी स्क्वेयर। टी से थ्रो आउट अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3 इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वेयर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? टी स्क्वेयर माइनस 2t -3 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 3 एंड -1। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका? टाइम को। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम -1 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। तो 3 सेकेंड आ गई आपके पास। अब मैं एक असाइनमेंट देता हूं आपको, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो आपकी असाइनमेंट शीट है आज की, क्वेश्चन वन, मासेज ऑफ 450 ग्राम्स एंड 550 ग्राम्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रस्ट पासिंग ओवर ए लाइट पुली, हाउ फार डू दे मूव इन द फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ द मोशन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रिंग के ऊपर आपकी क्या टेंशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेकेंड, द सम ऑफ द टू मासेज ऑफ एन एटवुड मशीन इज 16 LBS। यहाँ पे LBS गिवन है, तो ये किस सिस्टम में मेजर कर रखा है आपका? फुट पर सेकेंड में, FPS सिस्टम में, या आप कह सकते हो इंग्लिश सिस्टम में। द हैवियर वेट डिसेंड्स थ्रो 64 फीट इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच मास। तो आपके पास मास फाइंड आउट करना है, मास की वैल्यू बतानी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, शो हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 10 kg इन टू स्केल पेंस, ईच ऑफ विच हैज ए मास ऑफ 4 kg, शो दैट द हैवियर पेन मे डिसेंड 2.18 meters इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू स्केल पेन्स ईच ऑफ मास 4 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, शो हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 10 kg इन टू स्केल पेंस शो एज टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 9। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए मास ऑफ 3 kg डिसेंडिंग वर्टिकली, ड्रॉ एप ए मास ऑफ 2 kg बाय मीन्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स द स्ट्रिंग ब्रेक्स, फाइंड हाउ मच हाइयर द 2 kg मास विल गो। क्वेश्चन 6 है आपके पास, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिज ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड पुली इफ m1 ग्रेटर देन m2 एंड m1 डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन
एफ शो दैट द मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट शो दैट इट कैन एसेंड विद द सेम एक्सेलरेशन इज फोर एम वन एफ जी अपॉन एफ प्लस जी।